ज्यादा ग्लू बॉल का इस्तेमाल करते हुए नजर नहीं आ रहे पर आदित्य, और एक और राउंड में आदित्य एलिवेटर की खोपड़ी खोलेंगे और बोलेंगे कि अब खौफ धीरे धीरे कम है लीगा। कैसे मैच रहेगा, 200 घुस के मारा है आदित्य ने, 3-0 स्कोर यहाँ पे, क्या 7-0 देखने वाले हैं हम। सो गाइस, आज हम बात करेंगे एलिवेटर के बारे में, क्या एलिवेटर सच में खत्म हो चुका है, उसका गेम प्ले कहीं ऑनलाइन नहीं दिख रहा है, कहीं लाइव नहीं आ रहा है, ना ही गेम प्ले करने आ रहा है अपने चैनल पे। सो हे माय फैमिली, क्या हाल आप सभी के, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। जी हाँ, तो आज हम देखेंगे एलिवेटर के बारे में। जी हाँ, जिस बंदे की इतनी पुरानी लेगेसी रह चुकी है, इतना तगड़ा गेम रह चुका है और हर बंदे उसके सामने आने से डरता था, क्या आज के टाइम में उसकी लेगेसी खत्म हो रही है धीरे धीरे, क्या बंदे उससे डर नहीं रहे, क्या उसका गेम प्ले बिल्कुल नूब जैसा हो गया है। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है पिछले कुछ टाइम से, जिस हिसाब से उसका गेम नहीं चल रहा है और ना उससे खेला जा रहा है, मेरे ख्याल से उसको गेम ही छोड़ देना चाहिए जिस हिसाब से उसकी हालत हो रखी है इस वक्त। चलिए उनको बुलाते हैं और देखते हैं कि उनके हथियारों में सच में जंग लग चुका है या फिर अभी कुछ बाकी है इस मैच के अंदर। और बताओ आदित्य भाई, क्या हाल है आपके दोस्त? मैं तो बढ़िया हूँ। क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, मजे आ रहे हैं नहीं आ रहे? हाँ आ रहे, गांव से आ गया शहर में। ओके, गांव से आ गए शहर में, और इस बार कैसी तैयारी है तुम? ऑलमोस्ट एक हफ्ते का हमने रेस्ट दिया है, पिछले मैच में जब तुम खेले थे काफी तबाही आपने मचाई थी 1v1 में अगेंस्ट एंग्री, पर आज कैसी प्रैक्टिस के साथ आए हो आप? हाँ बढ़िया प्रैक्टिस करके आए हो। क्या कुछ चेंजेस कर रहे हैं तुमने पिछली बार से लेके अब तक कुछ इस गेम में, मतलब एक हफ्ते में जो टाइम मिला उसके अंदर तुमने कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ चेंजेस, कुछ टेक्निक, कुछ स्टाइल किसी पे वर्क करा है या फिर क्या चीज है? मैंने तो प्रैक्टिस की है, बाकी मतलब बीच बीच में अटक नहीं जाता था वो उसी चीज पे, मतलब बटन थोड़ी सी। ओके, तो कौन सी गन चलाने वाले हो तुम्हारा आज मैच होगा तो? शॉटगन और डेजर्ट ईगल। शॉटगन और डेजर्ट ईगल यहाँ पे चलाओगे। टेलीफोन कौन सा है तुम्हारा? टेलीफोन रेडमी K50i। जी गाइस, रेडमी K50i यहाँ पे 25,000 का मोबाइल ऑलमोस्ट, और यहाँ पे भाई की प्रोफाइल देखते हैं सीजन में कैसे खेले हैं अब तक जब से अपडेट आया है। अपडेट के बाद 190 का KD और हेडशॉट रेट 87 का काफी प्यारा, और डैमेज 3000 को ऑलमोस्ट, यानी बंदों को भगा भगा के मारे हैं, और यहाँ पे 84 का हेडशॉट रेट। तो आदित्य भाई, कहाँ से हो तुम प्रॉपरली? मैं हूँ उत्तर प्रदेश के उरई से। अच्छा, उत्तर प्रदेश के उरई से है हमारे भाई। तो क्या लगता है आज के दिन में क्या चाह रहेगी तुम्हारी जब तुम्हारे सामने एनजी का प्लेयर आएगा तो मेरे भाई? आज तो पूरा ट्राई करूंगा जीतने का। ओके, कहीं ना कहीं जो पिछली बार गलतियां रह गई थी उन चीजों को फोकस करके अच्छा गेम प्ले दिखाने की कोशिश रहेगी क्या आज? हाँ। किस बेस पे लेके खेलोगे, गेम प्ले के लिए खेलोगे या फिर जीतने के लिए खेलोगे? मैं तो गेम प्ले दिखाऊंगा अपना और यही के लिए भी ट्राई करूंगा। ओके, देखते हैं गाइस आज भाई कैसा खेलेंगे, कैसा गेम दिखाने वाले हैं ऑन लाइव स्ट्रीम, और बुलाते हैं इनके सामने एक प्लेयर को, कौन कौन अवेलेबल है यहाँ पे। और एलिवेटर मेरी जान, कैसे हो? हेलो आई भाई, तुम्हारा पता ही नहीं चलता तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो आजकल, हो भी या फिर चले गए कहीं? माइंड ही नहीं करता भाई। जी घंटा मेरी जान, वो दिन अरे भाई देखो सीन क्या है एलिवेटर भाई, पहले तुम रेगुलर खेलते थे, तुम्हारा रहता था, तुम तब भी आ रहे हो खेलने के लिए आ रहे हो, अब पता नहीं रहता ना आप खेल भी रहे हो नहीं खेल रहे, दिक्कत ही हो रही है। और आज चलाऊंगा भाई आपका स्ट्रीम में। पहले मेन सीन रहता था कि एलिवेटर जब भी ऑनलाइन रहता था खेल रहा है, और साथ में स्ट्रीम में, यार भूल गए क्या, पहले स्ट्रीम पे तुम ही तो खेलते थे ज्यादातर मेरी पे। तो आज एलिवेटर भाई आपके सामने पता है कौन है? कौन है? आदित्य, जो पिछली बार एंग्री के अगेंस्ट में काफी तगड़ा खेला था और इस बार बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर गया है, गेम बहुत प्यारा है। तो तैयार हो तुम अपना गेम प्ले खेलने के लिए एलिवेटर? बहुत ज्यादा ही तैयार हूं। बंदे की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और गेम प्ले भी अच्छा है, तुम्हारा गेम करा देते हैं। आ जाओ एलिवेटर और आदित्य भाई, एलिवेटर आए हैं बहुत दिन बाद, वेलकम ब्रो, स्वागत है आपका एलिवेटर मेरी जान। देखते हैं गाइस क्या होगा इस राउंड के अंदर, कैसा हेडशॉट आएगा, कैसा गेम दिखाएंगे आदित्य भाई। अपनी जर्नी पे फिर से वापस आ गए। जी हाँ, एक चैट से आया हुआ प्लेयर आज खेल रहा है आप सबके सामने, और सामने है एलिवेटर। फन वन की फाइट होने वाली, एलिवेटर यूएमपी के साथ है, आदित्य के वन टैप बहुत तगड़े पड़ते हैं, और एलिवेटर उस फॉर्म में भी नहीं है जो पहली फॉर्म में रहते थे, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से एलिवेटर खेल नहीं रहे। तो पर देखेंगे आज कैसी वापसी करेंगे एलिवेटर भी, निगाहें दोनों ही प्लेयर्स पे कि आदित्य भी पिछले गेम सेट को और अच्छा गेम दिखाएं, और एलिवेटर से उम्मीद है कि एलिवेटर अपने पुराने गेम प्ले में वापस आए। पर देखते हैं ये मैच क्या होगा, क्या होगा इस मैच में, क्या होगा इस मैच के अंदर, कैसा ही मुकाबला देखने को मिलेगा। आदित्य बनाव एलिवेटर की फाइट फन ऑन वन लाइव स्ट्रीम पे यूएमपी के साथ, एलिवेटर मेरी जान, और इधर से आदित्य मेरी जान एक और। जी ये मेरी जान, यही तो बोला था मैं, यही तो बोला था, ये बंदा तगड़ा खेलता है भाई, ये चैट से आया हुआ बंदा, रैंडम बंदा मेरे को मिला था एक साथ, और क्या खेलता है ये, कसम से भाई मेरे को इस बंदे के ऊपर बैट लगाने का मन करता है कि आने वाले टाइम में ये बंदा उभरेगा। देखते हैं गाइस क्या होगा सेकंड राउंड में। आदित्य फिर से तैयार है यहां पे यूएमपी और दो शॉट के साथ, सामने एलिवेटर है,
बहुत दिन बाद एलिवेटर कम बैक कर रहे हैं 1v1 के अंदर, जिनको हम बादशाह मानते थे 1v1 का, द किंग ऑफ 1v1 का मास्टर गोड, जी हाँ द मास्टर माइंड एलिवेटर 1v1 का बादशाह मानते थे, पर आज के टाइम में कहीं ना कहीं थोड़ी से लिटिल बिट चूक रहे हैं अपने रास्ते से, क्योंकि खेल रहे नहीं है। पर आज सामने आदित्य आए हैं जो कर गुजर सकते हैं, इस मैच को जीत सकते हैं, उम्मीद यही लगाई है मैंने। मूवमेंट है इस बंदे के पास, एक्यूरेसी है, पर सामने एलिवेटर है जिनका खौफ अभी भी बंदों के अंदर बाकी है, क्योंकि एलिवेटर में सब पुराने हो गए हो या कुछ टाइम से खेल ना रहे हो, एक्टिव ना हो, पर बंदे डरते हैं अभी भी एलिवेटर से, कांपते हैं बंदे एलिवेटर का नाम सुनते ही। पर आज सामने आदित्य कैसे संभालेंगे सिचुएशन को, लेट्स सी कैसा ये गेम होने वाला है 1v1 का। आदित्य बनाव एलिवेटर, फाइट काफी इंटरेस्टिंग, पहले राउंड के बाद क्या कमबैक होगा एलिवेटर का, कैसा ये मैच होगा देखते हैं। एलिवेटर लगातार यूएमपी के साथ आगे बढ़ेंगे, फुल ओपन मूवमेंट चल रही है एलिवेटर की तरफ से, ज्यादा ग्लू बॉल का इस्तेमाल करते हुए नजर नहीं आ रहे। पर आदित्य और एक और राउंड में आदित्य एलिवेटर की खोपड़ी खोलेंगे और बोलेंगे कि अब खौफ धीरे धीरे कम है एली का। एक लेजेंडरी प्लेयर हमको मिला है आदित्य, जिसका नाम है और जो अपने आप को इंप्रूव कर रहा है डे बाय डे, और गेम प्ले भी दिखाया है स्टार्टिंग के दो राउंडों में। पर एलिवेटर देखते हैं यहाँ पे अपनी खौफनाक पारी दिखाएंगे या फिर नहीं, कैसे मैच रहेगा। 200 ढुसके मारा है आदित्य ने, 3-0 स्कोर यहाँ पे, क्या 7-0 देखने वाले हैं हम, क्या हम 7-0 देखने वाले हैं अगेंस्ट में एलिवेटर। OMG आदित्य ओपी हो जाना चाहिए चैट में, आदित्य ओवर पावर्ड, दिल जीत लिया है बंदे ने, दिल जीत लिया है कहीं ना कहीं। एलिवेटर को कमबैक करना पड़ेगा, लेगेसी पे वापस आना पड़ेगा, क्या एलिवेटर का कमबैक होगा 3-0 स्कोर के बाद, क्या आदित्य यहाँ पे और तगड़ा गेम दिखाएंगे हमको, लेट्स सी यहाँ पे 7-0 देखने वाले हम, देखते हैं आदित्य क्या करेंगे यहाँ पे। चौथा ये राउंड, एलिवेटर का नाम अभी भी चलता है, हाहाकार अभी भी मचाता है एलिवेटर, खौफ अभी भी है एलिवेटर का 1v1 में, चाहे कोई कितना भी बड़ा प्लेयर बन जाए, चाहे कोई कितना भी बड़ा प्लेयर आ जाए, जब सामने एलिवेटर आता है तो 10 बार बंदा सोचता है कि सामने और कोई नहीं एलिवेटर है, जिसको हम हैकर जैसा गेम प्ले देखने के नाम से जाने जाते हैं गाइस। और देखते हैं क्या होगा चौथे राउंड में, आदित्य कैसे कंट्रोल करेंगे सिचुएशन को एलिवेटर के सामने, और ये लीजिए एलिवेटर द किंग ऑफ CS, द किंग ऑफ क्लैश स्क्वाड, जिसको हम बोलते हैं भाई 1v1 के बादशाह को, MVP आदित्य ओवर पावर्ड यहां पे। जी गाइस नाम के आगे MVP का टाइटल जरूर है, और ये गेम भी MVP की तरह ही खेल रहा है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यहां पे बन के निकल रहे हैं। 4-1 स्कोर यहां पे, अपना गेम क्या दिखा रहा है बंदा, क्या एलिवेटर यहां पे कमबैक करेंगे, इतने दिनों बाद आए हैं एलिवेटर के लिए, देखते हैं क्या होगा यहां पे। रेडमी K50 में खेलने वाला एक प्लेयर, 25,000 का फोन इसके पास, जी गाइस रहने वाला उत्तर प्रदेश का, 15 साल का ये बच्चा, 15-16 साल का, आप सबके सामने अपना जोहर दिखाता हुआ नजर आ रहा है 1v1 में। सामने है एलिवेटर, क्या रोक पाएंगे इस बच्चे की खतरनाक मूवमेंट और गेम प्ले को, जोन छोटा हो रहा है धीरे धीरे, टाइम ज्यादा बचा नहीं है इस राउंड को खत्म होने में, और हेडशॉट दोनों ही प्लेयर ढूंढ रहे हैं, 10 सेकंड बच्चे हमारे पास, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, और लीजिए यहां पे एलिमिनेट होंगे क्या, कौन किधर, और एलिवेटर का क्या बात था, ये कैसा हेड था भाई, ये कैसा हेड था, ये कब कैसे मार दिया मेरे को समझ ही नहीं आया। 1v1 की एक ओवर पावर्ड फाइट यहां पे हम देख रहे हैं, जिसको देखने में बड़ा ही मजा आ रहा है, पर समझ नहीं आ रहा है जीतेगा कौन, क्या एली का एक और हेड बनेगा, क्या एक और मैच डीप जाएगा बिल्कुल, देखते क्या होगा इस मैच में, कसम से मैच 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 मैच, कोशिश थी आप हेडशॉट निकालने की, क्या होने वाला है इस मैच में, ओ नहीं नहीं नहीं, एलिवेटर बोलेंगे कि थोड़ा अब फोकस करें गेम पे, क्योंकि अब कमबैक हो रहा है लगातार दो राउंड से, एक बेहतरीन कमबैक यहां पे हम देख रहे हैं, देखते हैं इस राउंड में भी क्या होगा। 8th राउंड एलिवेटर है तैयार, इधर से आदित्य अभी, दोनों साइड से सेम गेम प्ले चलेगा अभी, देखते हैं क्या होगा इस राउंड में, क्या एलिवेटर का हेडशॉट बनेगा, धीरे 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 आदित्य को देखते हैं, आदित्य अभी टाइम ले रहे हैं, अभी शॉट के साथ आगे बढ़ रहे हैं और एग्रेसिव हुए, थोड़ा सा रस लिया है, देखते क्या होगा इस राउंड में, क्या एली का हेडशॉट बनेगा, मैच थोड़ा सा थ्रिलिंग हो रहा है, स्टार्ट बड़ी सिंप्लीकेशन तरीके से हुआ था, पर अब
मैच थोड़ा फंसने वाला है चार तीन के बाद। एक एक राउंड की कीमत बहुत ज्यादा है पे दोनों प्लेयर्स के लिए। एक एक राउंड डिसाइड करेगा यहाँ पे मैच कैसे जीतना है। देखते हैं क्या होने वाला है इस राउंड में। और एलिवेटर यहाँ पे चार एक के बाद सीधा एक नहीं दो नहीं तीन तीन राउंड जीत कर चार चार स्कोर कर देंगे। अब लगा दो एलिवेटर ओपी चैट में यार। टाइम ले रहे हैं एलिवेटर आ रहे हैं मैच पर भी फोकस। अब ब्रेक टाइम जी गाइस चार चार के बाद थोड़ा सा ब्रेक था ये आपके लिए। अब फिर से मुकाबला स्टार्ट हो चुका है। टाइम आउट के बाद दोनों प्लेयर की स्ट्रेटजी देखेंगे क्या बदली है। जी हाँ छोटा सा टाइम आउट हुआ था। अब देखते हैं यहाँ पे बिग मैच यहाँ पे हम देख रहे हैं एक ओवर पावर्ड मैच। आदित्य ने सच में दिल जीता है। और देखते हैं कितने राउंड निकाल सकते हैं इसमें एलिवेटर है। मैच निकालेंगे एलिवेटर उड़ के आएंगे हवाओं में और बंदे को देखा है। What the fuck is this bro? ये कैसा हेड तो कूद के ग्लू बॉल में से निकल के मारा है मुंह पे। बॉय भाई टाइम आउट के बाद स्ट्रेटजी में इतना तगड़ा बदलाव की हैक लगा लिया है। को भी क्लियर कराना है समझ रहे हो आपको बोला है मैंने। और भाई यार है क्या ये चार एक के बाद व्हाट इज दिस ब्रो कमबैक हो रहा है हैक लग रहा है क्या हो रहा है। चार एक स्कोर तब छह चार एलिवेटर फिर से तैयार। आदित्य भाई क्या एक और कमबैक कर सकते हैं उम्मीद है आदित्य भाई से। लगातार तीन चार राउंड निकाले आदित्य ने तो यहाँ पे दो राउंड निकालने ज्यादा दूर नहीं है। देखते क्या होगा इस मैच में। 1v1 के फाइट एलिवेटर ना आदित्य क्या होगा इस मैच में। 6-4 के बाद मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा मैच होगा यार। मेरे को लग रहा है एलिवेटर हार जाएगा पर एलिवेटर ने हार के बाजी जीती है इस मैच के अंदर भाई। लगातार 6 राउंड जीते और क्या मैच निकाला और एक ओवर पावर्ड मैच यहीं पे खत्म हुआ। ओवर पावर्ड एलिवेटर ओपी एलिवेटर लगा दो यार चैट में रुकना नहीं चाहिए इस बंदे के लिए।